श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि पीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः। कस्माच्च तेनान्नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मोऽप्याधिकर्त्रे, अनन्तदेवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेतासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, नमः पुरस्तादत्पृष्टतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामित्विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रण्येन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एकत्वाप्यच्युत्तत्समक्षं, तत्क्षामयि त्वामहमप्रमेयं, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभिदिकक्कुत्वन्यो, लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वामहमीशमिड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रियः प्रियायार्हस्देव सोढुम्, अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्श देवरूप, प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। हिंदी का भाव भी अर्थ समझते हुए सब मिलकर के अर्जुन के भाव के साथ अपना भाव जोड़ें, अनुभव करें कि इस समय हम ही सब अर्जुन हैं जो कहीं ना कहीं आज बाहर के कुछ वातावरण की आशंकाओं के कारण कुछ न कुछ अंदर से भय, व्यथा, चिंता कहीं ना कहीं भीतर, कहीं लुप्त गुप्त और कहीं कुछ शब्दों में प्रकट, सर्वत्र पूरे विश्व के सामने है ही। अर्जुन के भाव के साथ भाव मिलाते हुए ये स्तुति हम सहज भाव से एक बार हिंदी में कर लें। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी, असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करें नमन सिद्ध सब तुम्हें,
ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी हो सब कुछ प्रभु, आप बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि यह सारी प्रभो, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभो तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी आ सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर कर तप प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूँ। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप यह आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन पूरी तरह नमस्कार की मुद्रा में है, प्रणाम की मुद्रा में है, विनम्रता की मुद्रा में है। यूं तो विनम्रता और भगवान को प्रणाम ये अर्जुन के स्वभाव में ही रमा हुआ है, आज से नहीं, स्वाभाविक ही। बड़ों के आगे विनम्रता, गुरुजनों के आगे विनम्रता, और भगवान के समक्ष तो जब अर्जुन सिरहाने बैठ गया था पूरी मैं ईगो अकड़ के साथ, तब भी अर्जुन सहायता के समय भी भगवान के श्री चरणों की ओर हाथ जोड़कर सर झुकाकर विनम्र भाव से खड़ा रहा था, तब तक जब तक प्रभु के नेत्र खुले नहीं और अर्जुन पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी नहीं। एक बात का ध्यान करते हुए कि प्रभु की कृपा दृष्टि विनम्रता मांगती है।
प्रणाम करें, नमस्कार करें, भगवान की आवश्यकता नहीं है। उनकी भगवत्ता इस बात से पूरी नहीं होगी कि हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं या कितने लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। वो तो पूर्ण काम सत्ता है, आप्त काम सत्ता है। हाँ, प्रणाम हमारी आवश्यकता है, नमस्कार हमारा लाभ है, झुकना हमारा गौरव है। झुकने से ही मिलता है, अकड़ने से कभी कुछ नहीं मिलता। ईगो कुछ नहीं दिलवा सकती, विनम्रता दिलवाएगी। जब भी दिलवाएगी विनम्रता ही कुछ दिलवाएगी। अर्जुन विनम्र है और इसलिए ये संकेत भी है कि आओ विनम्रता को जीवन का आभूषण माने, भगवान के आगे झुक कर रहें। और इस समय जो स्थिति है पूरे विश्व के लिए, ये बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि जहाँ प्रकृति, हाँ एक रूप में तो इस समय प्रकृति खिलखिलाती दिखाई दे रही है। हमने पूर्व में भी संकेत किया था कि पक्षियों की चहकने के स्वर अब कहीं और मुखरित हो रहे हैं अधिक, क्योंकि चारों ओर के स्वर बंद हैं, प्रदूषण समाप्त है हर तरह का। लेकिन वैसे तो हम देखें ना कि प्रकृति भी कहीं ना कहीं मौन सी है। वैज्ञानिक लगे हैं ढूंढने में कि कोरोना वायरस की कोई काट कोई तोड़ मिल जाए, प्रयास में लगे हैं, भगवान कृपा करें शीघ्र समाधान मिले। लेकिन लगने तो लगा है ना अब सबको, बड़े बड़े विश्व भर के जो नेता, वह लोग जिन्होंने कभी ये सोचा होगा, कहा होगा कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है। लेकिन अब लग रहा है ना कि सृष्टि में सब कुछ ईश्वर है। कुछ और ईश्वर से ऊपर होता तो इस समय लगता, किसी का वश चलता। लेकिन कहाँ किसका वश चल रहा है, बिल्कुल पूरी दुनिया एक विवशता के अंदर बंद सी होती दिखाई दे रही, एक विवशता का दायरा। और यहाँ दिखता है अर्जुन का यह भाव, अनंत वीर्या मित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वः। हे गोविंद, आप अनंत बलशाली हैं, आपके बल का अंत नहीं। संसार में बल का कहीं ना कहीं बल है, लेकिन अनंत बल नहीं। क्षमताएं हैं लेकिन अनंत नहीं हैं, उनका अंत है। बल का कहीं ना कहीं अंत है। और क्योंकि इंसान का बल अधिकांशतः इस रूप में भी प्रयोग होता दिखता है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। पूरे विश्व में ये दिखाई देती है ये दौड़ हो, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए। कहीं आतंक, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं स्थितियां, कहीं धर्मांतरण, कहीं मारकाट, कहीं लूटपाट, ये सब कुछ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अपने बल को आगे करके अपने बल के अभिमान में दूसरों को नीचा दिखाना। और भारतीय परंपरा, भारतीय संत तो ये कहते हैं कि अरे भाई, बल तो वो बल है जो किसी गिरे हुए को उठाए, सामर्थ्य वो सामर्थ्य है जो किसी के काम आए। और हमें इस बात का संतोष है कि इस समय ढेरों ढेरों डॉक्टर्स बिल्कुल
अपने सुख सुविधाओं की परवाह ना करके अपनी कहीं ना कहीं घर परिवार की भी सोच छोड़ करके ढेरों ढेरों डॉक्टर्स किस ढंग से दिन रात एक करके सेवा में जुटे हैं। संक्रमण का भय है लेकिन डॉक्टर्स भी तो सेवा में लगे हैं ना, साथ लगे हुए हैं ना। निसंदेह सामर्थ्य का सदुपयोग, और वास्तव में जो जो संस्थाएं, जिन जिन संस्थाओं के द्वारा इस समय अलग अलग स्थानों में उन लोगों के लिए कहीं भोजन की व्यवस्था, कहीं भंडार की व्यवस्था, कहीं दवाइयों की व्यवस्था, कहीं अन्य अन्य और उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा प्रयास हो रहे हैं, उस सब प्रयास के लिए हमारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सामर्थ्य का वास्तविक सदुपयोग है ये, और ऐसे समय में करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। एक संत ने गुनगुनाया, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और इस समय हमें उस इंसानियत को भी सामने रखना है। मानवता मुरझाए नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। पड़ोस में कोई दुखी है, अगर कहीं से भी आह निकलती है, हमारे कान तक पहुंचती है, हमारा कर्तव्य है कि हम खाने से पहले उनका ध्यान रखें। ये इस समय सद्भावना का भी अवसर है। सामर्थ्य सदुपयोग में आए उन सब संस्थाओं के लिए, डॉक्टर्स के लिए ये विशेष शुभकामनाएं इस अवसर पर, और श्री कृष्ण कृपा परिवार जहाँ जहाँ भी है, अनेक स्थानों पर सेवा हो रही है, जो नहीं भी कर रहे, सब ध्यान रखें कि ये अवसर है सामर्थ्य के सदुपयोग का। कुछ अपनी सामर्थ्य को निकालें बाहर, आप उन्हें देखें, बहुत बड़े बड़े सामर्थ्यवान भी इस समय कहीं ना कहीं भय से ग्रस्त हैं। बड़े बड़े सामर्थ्यवान भी विश्व भर में कितने केस दिख रहे हैं, कितनी पीड़ा होती है सुनकर, देख करके कि बड़े बड़े सामर्थ्यवान अब कहीं ना कहीं बंद कोरोना वायरस के कारण से। सामर्थ्य का सदुपयोग कर लेना चाहिए। भारतीय मनीषा में बल है तो उसे नीचा दिखाने के लिए उस प्रयोग करने वाले को बलवान नहीं कहा गया। एक छोटी सी बात ध्यान में आ रही है, कोई संत एक बार निकल रहे थे कहीं से, कुश्ती का अखाड़ा लगा था, स्वाभाविक रुक गए, देखा कि एक व्यक्ति ने दूसरे को नीचे पछाड़ा, गिराया, और संत के देखते देखते उसने तीन चार को ऐसे ही कुछ ही क्षणों में
पछाड़ कर गिरा दिया। संत ने किसी से पूछा, भाई ये कौन है? उसने उत्तर दिया कि ये इस क्षेत्र का नामी पहलवान है। कहा, सबको गिरा क्यों रहा है? कहा, महाराज कुश्ती का अखाड़ा है, बहुत बड़ा बलवान है ये, कोई इसके आगे ठहर नहीं पा रहा। संत ने तो कान पे हाथ रख ली है। कहा, भाई मेरे सामने इसे बलवान नहीं कहो। कहा, महाराज आपको ये बलवान नहीं दिख रहा, तो आपकी दृष्टि में बलवान कौन है? आप किसे बलवान कहोगे? संत ने कहा, भाई यह है भारत, और काश भारत की ये परंपराएं सर्वत्र जीवित रहें, और ये अवसर भी है उन्हें जीवंत रखने का। संत ने कहा कि भाई मैं उसे बलवान नहीं कह सकता, मान सकता, जो किसी अच्छे भले को नीचे गिरा दे। मैं तो उसे बलवान मानूंगा जो गिरे हुए को ऊपर उठा दे। बल वही है, गिराने में भी काम आ सकता है, लेकिन गिरे हुए को उठाने में भी काम आ सकता है। वहाँ सद्भावना पनपेगी। विश्व भर को सोचना होगा कि दूसरों को नीचे गिराकर, दबाकर, धर्मांतरण या आतंक फैला करके केवल अपने आप को बलशाली बनाने की शक्ति, बलशाली बनाने की स्थिति बड़े गौरव की स्थिति नहीं है। और ये भी मानना होगा कि अनंत बलशाली कोई और है। अनंत वीर्यमित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्जुन कहता है, प्रभो आप अनंत बलशाली हैं, आपका बल अनंत है प्रभो, आपकी सामर्थ्य अनंत है प्रभो, और हम भी प्रभु को पुकारें कि हे अनंत सामर्थ्य वाले, हे करुणा निधान, अपनी करुणा से इस करोना को, इस करोना के भय को समाप्त करो, और इस करोना वायरस को भी समाप्त करो हे करुणा निधान। एक दो जिज्ञासाओं को ले लेते हैं आगे की बात से पूर्व। एक जिज्ञासा पूर्व की है। श्री गीता जी में लिखा है, 12वें अध्याय में मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ में सम रहें, क्या ये संभव है? देखो, असंभव तो गीता में कुछ लिखा ही नहीं, भगवान बोल रहे हैं भाई, कोई ऐरा गैरा नहीं। और भगवान वाच, असंभव के लिए हो सकता है कहीं क्या? सुख की लिप्सा, सुख में आसक्ति कहीं ना कहीं दुख का कारण बनती है। सुख और दुख से ऊपर भगवान के भाव के आनंद में रहने का प्रयास करो, उस आनंद में रहकर व्यवहार करो, तो लगेगा कि सुख भी उसकी लीला, दुख भी उसकी मौज। और ऐसे ही हर परिस्थिति उसी का भाव है, दिन उसका है तो रात भी उसी की ही है। संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों आवश्यक हैं। कहीं सुख, मान, लाभ ये अहंकार का रूप ना ले लें, जैसा ले लेते हैं। इसलिए भगवान ने साथ ही साथ कहीं अपमान, कहीं हानि, मनुष्य चेतता रहे कि मुझे हर समय उसकी कृपा का स्मरण बनाए रखना। कर्म अकर्म के बारे में, कर्म जो जो हमारा स्वाभाविक कर्म है, बच्चे का कर्म पढ़ना है, जो व्यापारी है व्यापार, अपना अपना परिवार, जहाँ जहाँ जो जो उसका कर्म निश्चित है, उसे भगवत भाव से करें, अहंता ममता को अलग रख करके करें, ये कर्म है। और कर्म में अकर्म, अकर्म वो स्थिति है गीता की, जहाँ करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा, कर नहीं रहा, प्रभु करवा रहे हैं, उसका अंदर प्रभाव नहीं, वो अकर्म की स्थिति है। और कई बार ये भी हो जाता है, कुछ नहीं कर रहे लेकिन कर रहे हैं, क्यों? अंदर सोचे जा रहे हैं,
चिंताओं में गड़े जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ना हुआ तो, ये ना करते हुए भी कर रहे हैं, बंधन में आ रहे हैं। इसलिए अकर्म अर्थात करते हुए ना करने की स्थिति। ये ऊपर की जिज्ञासा ओम प्रकाश चुग और ये दुबई से रविंद्र ठिंगड़ा। खेत्री का विसर्जन कैसे करें जबकि बाहर नहीं जा सकते इन दिनों? देखो, जो समय कुछ निर्धारित है, यदि पड़ोस में कहीं कोई स्थिति है तो उसको आप विसर्जन करने की उसको आप कर सकते हैं। समय जो निर्धारित है उस समय में कहीं अनुमति लेकर के, या फिर तब तक के लिए अभी प्रणाम करते रहें, साधन बने तो समय का उचित अवसर जानकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कुछ रास्ता निकाल लें। दुबई से मधु हैं, बहुत बहुत आभार। विदेश में रहकर भी आपकी वाणी ऊर्जा का काम कर रही है। गीता पाठ करते रहें, भगवान की वाणी आपके साथ है ही, और इसका लाभ सुनने के बाद विचार पूर्वक साथ साथ करते रहें, पाठ करते रहें। अनन्य चेतः युवाम स्मृति नित्यशः की स्थिति कैसे बने? अमित यादव। देखो, अनन्य भाव से स्मरण, मन में लगातार प्रभु का भाव, व्यवहार करते हुए अपनी अपनी व्यवहार में कर्म करते हुए ईश्वरीय भाव, ईश्वरीय कृपा, अहम को छोड़ दो, ईश्वरीय भाव अपने आप भीतर है, जो पास है मेरा नहीं प्रभु का दिया हुआ है, आसक्ति का त्याग कर दो, ईश्वरीय भाव प्रकट हो जाएगा। आगे क्या मिलना है प्रभु की इच्छा पे छोड़ दो, कर्म करते रहो, निश्चित रूप से मन में प्रभु का भाव बना रहेगा और ध्यान में पाठ में उसका लाभ मिलेगा। जब हम व्याकुल हों तो क्या भगवान भी व्याकुल होते हैं? गीता जी के 4th अध्याय के 11th श्लोक में ये यथा माम प्रपद्यन्ते शांत्रु हैं शिरडी से। देखो, जब व्याकुलता कहीं किसी दूसरे व्यापक कारण से होती है, केवल अपने स्वार्थ के कारण से नहीं, केवल अपने किसी शारीरिक उसके कारण से नहीं, जब हम व्याकुल हैं प्रभु के लिए, जब हम व्याकुल हैं मानवता के लिए, जब हम व्याकुल हैं परहित के लिए, तो निश्चित समझो वहाँ प्रभु का वास है, प्रभु तक वो आपकी व्याकुलता निश्चित पहुँचती है। हम अपने अवगुणों का अवलोकन कैसे करें? दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, अपने नहीं। मन के दर्पण को कुछ पाठ के द्वारा, जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा निर्मल होने दो और प्रयास करो अपने अंतःकरण का। जब दर्पण निर्मल होगा और जैसे जैसे निर्मल होगा वैसे वैसे अपनी कमियां दिखाई देंगी, और फिर जब अपना निर्मल अंतःकरण होगा तो आँख से दूसरों के गुण ही दिखाई देंगे। जाप और बढ़ाओ, भगवान से प्रार्थना करो। 10th अध्याय का 11th श्लोक दर्शना, उसकी व्याख्या। तेषामेवानुकम्पार्थ मम ज्ञान जम तमा नाश्याम्यात् भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। जो इसी बात को साथ जोड़ते हुए कि जब जाप होता है अंदर से भाव से, तो भगवान कहते हैं कि मैं उनके भीतर अज्ञान का अंधकार अपनी कृपा के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। किनके? जिनका मन प्रभु में एकाग्र हो जाता है, जिनके मन की वृत्ति उनके साथ जुड़ती है, तो भगवान का ये कृपा उपहार है, भीतर प्रकाश। तो बात चल रही थी, बस उसी बात को
विश्राम की ओर ले जाते हुए कि भगवान अनंत सामर्थ्यशाली हैं, अनंत बलशाली हैं। भगवान से कभी कभी मिल बैठकर परिवार, कभी कभी अकेले भगवान के आगे बैठ कर के, कभी अपने लिए, कभी अपने कल्याण के लिए, मन नहीं लग रहा तो उसके लिए, कभी बाहर की स्थितियों को देखते हुए, उन सब के लिए भगवान से कभी कभी प्रार्थना करें कि हे गोविंद, 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी को आपने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर धारण कर लिया, किए रखा केवल 7 वर्ष की आयु में। हे नाथ, अब ये जो सृष्टि पर फार आया है कोरोना वायरस का, आप ही सक्षम हैं, आप ही समर्थ हैं, आप इसे भी उठाओ, इस फार को उठाओ गोविंद, और अपनी कृपा से पृथ्वी को, पूरे विश्व को, पूरी मानवता को इस भय से मुक्त करो। भगवान से प्रार्थना इन दिनों करते ही रहें। आजकल कुछ नए साधक भी जुड़ रहे हैं, कृपया उनके लिए भगवत स्तुति के श्लोकों की व्याख्या फिर से कर दें। हाँ, एक बार अभी चल रही है, बीच बीच में सारी व्याख्या साथ साथ दोहराई भी जा सकती है, दोहरा दी जाएगी, एक बार पूरी हो लेने दें। लेकिन अच्छी बात है कि जो भी गीता से जुड़ता है, गीता के भावों से जुड़ता है, और हर कोई प्रयास करे अपने साथ इन दिनों बैठे बैठे औरों को भी इस संदेश से जोड़ने की, गीता पाठ से जोड़ने की, भगवान की स्तुति प्रार्थना से जोड़ने का। हर व्यक्ति इस समय निश्चित कर ले कि मैंने कुछ एक और जोड़ने हैं, और हो सकता है आपके भाव के साथ जुड़ करके और भगवान की इस स्तुति प्रार्थना पाठ से जुड़ करके, हो सकता है किसी की चिंताएं कम हो जाएं, भय कम हो जाए, निराशा कम हो जाए। और कुछ लोग ऐसे भी संकेत कहीं कहीं मिलते हैं कि कुछ लोग इन कारणों से कहीं कहीं डिप्रेशन में, कहीं कहीं कष्ट में, दुख में अपने आप को पाते हैं, और अंदर अंदर बंद मन को भी बंद करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करो भाई, भारत में हो, भगवान की कृपा है, और अध्यात्म हमारी पूंजी है, अध्यात्म हमारा धन है, भगवान की कृपा विरासत में हमारे पास है, भगवद गीता की वाणी भगवान ने हमें अनमोल उपहार के रूप में हम सबको दे रखी है, और रामायण जैसा ग्रंथ, रामायण का इस समय प्रसारण जो हो रहा है, देखें क्या दिव्यता है, कैसी कैसी दिव्यताएं सामने आती हैं। विश्व और भारत का अंतर आप देखें कि सत्ता के लिए झगड़ते हुए तो प्रायः विश्व में देखा जाता है, भारत का ये चित्र देखो ना, कि यहाँ सत्ता के लिए झगड़ा नहीं है, सत्ता पर कौन बैठे, राम या भरत। और कैसे आप देखें कि राम ने वन स्वीकार कर लिया केवल पिता के वचनों की लाज रखने के लिए, और भरत ने अयोध्या में रहकर भी नंदी ग्राम में बंद रहना स्वीकार कर लिया, स्वयं स्वेच्छा से अपने बड़े भैया के भाव को देख करके। ये भारत है, ये भारत है कि एक बार यदि पिता का वचन, पिता का निर्देश, और यहाँ भी तो ये निर्देश आप मिल रहे हैं ना बार बार। अब भारतीय प्रधानमंत्री यदि स्वयं आकर के कहते हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करो, क्या वो अपने हित के लिए कह रहे हैं? या कहीं निर्देश आता है
सरकार की ओर से, अपने अपने प्रांत के मुख्यमंत्रियों की ओर से कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, तो क्या अपने अपने हित के लिए? नहीं, ये तो वो भी जानते हैं ना कि लॉकडाउन के जितना अधिक रहेगा उतना ही देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। एक एक दिन के लॉकडाउन का अभिप्राय अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा दबाव है भविष्य के, ये जानते हैं वो, और उस अर्थव्यवस्था को फिर संभालना कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी शासन करने वालों की। लेकिन उस स्थिति में भी लॉकडाउन, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इतने दिन लॉकडाउन की आवश्यकता क्या थी, इतने दिन क्यों किया? कि भारत यदि अभी भी ठीक है, कुछ एक की भूल के कारण से, बड़ी भयंकर गलतियों के कारण से कुछ ग्राफ इस समय बड़ा है और उसके लिए हमें और सचेत होने की आवश्यकता है, और सचेत होने की आवश्यकता है, लेकिन तो भी भारत की स्थिति नियंत्रण में है। उसके कारण हैं कि एक तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सीधा सीधा निर्देश और आदेश नहीं, विनम्र निर्देश संकेत, इसलिए कि भविष्य लंबे समय तक कि पतन की ओर ना ले जाए, ये कुछ दिनों की स्थिति भविष्य के आगे के प्रश्नों को हटा सके। और दूसरी बात, भारत के लिए हम सब के पास अध्यात्म की पूंजी है ना, गीता है ना, ऐसे ऐसे भाव हैं ना, उसका प्रयोग करो इन दिनों, निराशा बिल्कुल नहीं, कहीं भी अवसाद की स्थिति नहीं आने दो, और पाठ करो, कोई सात्विक भाव, कोई मिल बैठो। वैसे बहुतों को समय भी नहीं मिलता परिवार के साथ बैठने का भी, अगर इस रूप में मिला है तो परिवार के भाव आपस में सद्भावना के साथ जोड़ो। ये वीना कथुरिया की जिज्ञासा थी जो बात कही औरों को जोड़ने की, जो जो भी कहीं निराशा में हैं उनको उत्प्रेरित करो इस समय ऐसे भावों के लिए, अच्छी बात है। कल रामायण जी का पाठ संपन्न हुआ, आगे कौन सा पाठ जारी रखें? कल श्री रामनवमी उत्सव था और रामायण पाठ का विश्राम अनेक स्थानों पर हुआ, क्योंकि अनेक मंदिरों में भी होना था और सब कथा, और यहाँ गीता ज्ञान संस्थानों में भी नवाहन पारायण पाठ चल रहा था और अनेकों ने उस पाठ के साथ मिलकर अपने पाठ का घरों में विश्राम दिया। आगे आप गीता के अध्यायों के रूप में पाठ कर सकते हैं और गीता प्रेरणा को आप अध्ययन में ले सकते हैं, स्वयं अपने लिए भी, परिवार के साथ बैठ कर के भी, तो इस रूप में आप गीता प्रेरणा सुषमा ने रामायण जी के पाठ के बाद पूछा है क्या करें, गीता प्रेरणा पढ़ें, और अन्य अन्य शास्त्र हमारे पास बहुत हैं, जहां आपकी रुचि हो उसका अध्ययन आप करते रहें, लेकिन गीता पाठ को आप और बढ़ाएं। गुरुदेव 15वें अध्याय पर भी प्रकाश डालें, इंद्रेश मनोचा, तो ये कल हम इस पर चर्चा करेंगे, ये 15वें अध्याय वाली जिज्ञासा, और आगे स्तुति का भाव साथ लेकर के आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।